हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर, जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों हम ज़्यादा बात तो कर नहीं पाते हैं कि हम क्लास में बात करें, पढ़ाई के अलावा पढ़ाने के अलावा हमने लाइफ में कुछ सीखा नहीं कि नेसेसरी बातें करें। तो दोस्तों हमने आप लोगों को कई वीडियो भेज रहे हैं, आपने देखा होगा कि अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं, अच्छे मैटर होंगे, तो हमारे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कराइएगा और लोगों से, अपने मित्रगण से, दोस्तों से, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाँ फिर एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि हमारी वीडियो में या हमारी क्लास या लाइव क्लास हो, क्योंकि हमारा जो लाइव क्लास चलता है 3 से 4 डेली, अगर इनमें कोई कहीं भी त्रुटि हो तो आप लोग हमको ज़रूर कमेंट लिखिएगा। हम हमारी टीम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई कमी ना आने पाए, फिर भी अगर आप लोगों के विचार से कोई सुझाव मिलता है तो बिल्कुल लिखिएगा, कोई कमी मिलती तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि खुद की कमी दोस्तों पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं कोई त्रुटि हो तो ज़रूर सुझाव दीजिएगा, कमेंट लिखिएगा। तो आइए हम लोग बात ने कम किया जाए, काम ज़्यादा किया जाए। तो दोस्तों हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार कृषि से जुड़ा है। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार कृषि से जुड़ा है भाई, तो हमने 4 ऑप्शन ले दिया है, बोरलांग पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर, अर्जुन या व्यास सम्मान। तो डॉक्टर बोरलांग, जब 1951 में सोवियत संघ में हरित क्रांति लाई गई तो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलांग, इन्हीं के स्मृति में या उपलक्ष्य में 1972 में शुरू किया गया बोरलांग पुरस्कार। तो बोरलांग पुरस्कार 1972 में शुरू किया गया और दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और हम आते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और 58 में शुरू किया गया। अर्जुन पुरस्कार ये विज्ञान में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू किया गया। तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल में। व्यास सम्मान 1991 साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि हम अच्छा से अच्छा कंटेंट दें आप लोगों को, अच्छा से अच्छा मैटर दें, बस आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट में हम आते हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई यहाँ पर, बोरलांग पुरस्कार। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो हमने यहाँ 4 ऑप्शन लिया, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री। तो आंसर माना जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ, वाटर पोलो। तो दोस्तों वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है और 7। तो आंसर दोस्तों हमारा 7 जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में नादिर शाह, तो आप लोगों ने नादिर शाह का नाम सुना होगा भाई, अफगान था और इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसने भारत पर आक्रमण कब किया था दोस्तों, 1739 में किया था। तो कहता है कि जिस समय नादिर था, ये वही नादिर था जो कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया, तख्ते ताऊस। तो तख्ते ताऊस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि तख्ते ताऊस जो सिंहासन था शाहजहाँ ने बनवाया था और शाहजहाँ ने कोहिनूर हीरा मरवाया था। तो नादिर शाह ने जब 1739 में आक्रमण किया तो उस समय शासक कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला शासक थे, तो दिल्ली पर जब आक्रमण किया
तो नादिर शाह लूट ले गया कोहिनूर हीरा, तो कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया और मोहम्मद शाह रंगीला के समय में आक्रमण किया। परमाणु ऊर्जा आयोग, तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, पहले हम आपको बता दें कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है भाई, 1948 में हुई है परमाणु ऊर्जा आयोग। तो क्वेश्चन मारा है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई, तो दोस्तों हमने चार ऑप्शन दिया, सिद्धार्थ मोती, रजनीत, अरविंद पनगड़िया या ए के मोती, तो आंसर हमारा चौथा सही है, ए के मोती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों ये लक्षद्वीप जो है, क्योंकि भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, अगर हम पूर्वी की तरफ जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी है, अगर नीचे हम आते हैं तो हिंद महासागर है, अगर पश्चिम की ओर जाते हैं तो अरबियन सागर है, तो ये अरबियन सागर में स्थित है लक्षद्वीप, तो आंसर हमारा जाएगा अरब सागर। अगले क्वेश्चन की तरफ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर या 24 नवंबर, तो हमने दोस्तों आंसर दिया कि यहाँ 10 दिसंबर 1948, तो 10 दिसंबर 1948 को विश्व मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई, और कहाँ की गई, जिनेवा में की गई है ना भाई, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 24 अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका, क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, चलिए नोट कर देते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं दोस्तों, और 25 नवंबर को महिला अहिंसा उन्मूलन, महिला अहिंसा अहिंसा उन्मूलन मनाते हैं भाई, उन्मूलन, तो उन्मूलन दिवस मनाया जाता है दिवस, तो बिल्कुल सही है भाई, अहिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। चलिए हमारा आंसर जाएगा पहला सही है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, इनमें से किस अंग्रेज ने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों, चार ऑप्शन हमने दे दिया है कि सर विलियम जोन्स, तो सर विलियम जोन्स है, इन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ऑफ बंगाल, ठीक, विलियम बिकिंस ने क्या किया था भाई, इन्होंने 1775 में भागवत गीता का किया था। अलेक्जेंडर कनिंगम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंगम, तो इन्होंने 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की, सर्वेक्षण स्थापना की थी। सर जॉन मार्शल ये पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, पुरातत्व विभाग विभाग के अध्यक्ष थे दोस्तों, अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। क्या हमारा आंसर क्या जा रहा है, चार्ल्स बिकिंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन में, प्रदूषण का प्रभाव अधिक पड़ता है, तो प्रदूषण का प्रभाव अधिक पड़ता है दोस्तों, तो कहाँ पड़ता है, प्राकृतिक संतुलन में, स्थान की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, प्राकृतिक और जियोमिकल चक्र, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी जाएगा, ठीक।
भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या? तो देखिए, भारत ने जो अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया था रूस के सहयोग से दोस्तों, तो आर्यभट्ट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? 1975 में छोड़ा गया। भास्कर फर्स्ट कब छोड़ा गया? तो भास्कर जो फर्स्ट है ये छोड़ा गया था 1979 में छोड़ा गया। भास्कर टू 1981 में छोड़ा गया और रोहिणी 1980 में छोड़ा गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये सब छोड़े गए थे, ठीक। तो पहला हमारा आंसर जाएगा आर्यभट्ट, 1975 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा आता है तो ये कोटेशन आ गया भाई, ध्यान से आप लोग देखें इसको। कहता है कि अपनी रफ्तार को थामे रखिए दुनिया, अपनी रफ्तार को थामे रखिए दुनिया, अपने आप काबू में आ जाएगी, हौसला बनाए रखिए, मंजिल साफ नज़र आएगी दोस्तों। तो मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहिए, मंजिल ज़रूर मिलेगी दोस्तों। किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं इसरो, बंगलुरु में है मुख्यालय इसका दोस्तों। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमने चार ऑप्शन भी दिया था, 67, 69, 70 और 74। तो आंसर हमारा जाएगा 69 में, तो 69 इज राइट आंसर है दोस्तों, तो 69 आंसर हमारा जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। तारीख आलाई किसने लिखी? तो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे दोस्तों, तारीख आलाई। तो चार ऑप्शन लिया है, जियाउद्दीन बरनी, शमशे सिराज अफीफ, यहिया बिन अहमद या अमीर खुसरो। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा अमीर खुसरो, जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है भाई। कितार और तबले का आविष्कार भी किया अमीर खुसरो ने। इन्होंने हिंदी खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है इन्हें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन हमारा, संविधान में कौन से संशोधन के तहत नवीं अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, जब हमारे देश का संविधान बना तो कुल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज 12 हो गई हैं। तो जब संविधान का पहला संशोधन किया गया 1951 में, तो नवीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक। जब 52 संशोधन किया गया 1985 में, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल विधेयक है। और 73 संशोधन 92 पंचायती राज व्यवस्था, तो आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जब 74 संशोधन किया गया दोस्तों 92 में नगर निकाय, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो हमारा आंसर जाएगा पहला दोस्तों। अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई, नाट्य शास्त्र के लेखक। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो यहाँ आंसर जाएगा हमारा भरत मुनि। बभूति की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने उत्तर रामचरित्र लिखा, उत्तर रामचरित्र इनकी फेमस है, लिखा तो बहुत ग्रंथ है। भास ने क्या लिखा है? स्वप्न, स्वप्न वासव दत्ता, वासव दत्ता लिखी है दोस्तों, वासव दत्ता भास की है। कालिदास के बारे में क्या बोले भाई? कालिदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, 7 ग्रंथ हैं संस्कृत के, जैसे मालविकाग्निमित्रम, रघुवंतम, विक्रमोवर्तियम, कुमार संभव। तो इसी तरह कुल 7 ग्रंथ हैं इनके, ठीक है भाई। तो चलिए अगले प्रश्न में हम आते हैं भाई, म्यांमार किसका नाम है दोस्तों? तो म्यांमार की अगर हम बात करते हैं, तो म्यांमार बर्मा का नाम है दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में अश्वघोष, तो कहता अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे? किस राजा के दरबार में रहते थे जब चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन दोस्तों बुलाया गया? तो अश्वघोष ने उपाध्यक्षता भी की थी वहाँ पे, ठीक है। तो अश्वघोष ने 3 ग्रंथ लिखा जो कनिष्क के दरबार में रहते थे दोस्तों। इन्होंने लिखा है
बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र लिखा है दोस्तों, बुद्ध चरित्र। दूसरा लिखा है सौंदरानंद लिखा है दोस्तों। तीसरा लिखा है शरी पुत्र प्रकरण लिखा है, तो सारिपुत्र प्रकरण लिखा। ये तीनों ग्रंथ किसके हैं दोस्तों? आशुघोष के हैं, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्लियर भाई? अगला, हाँ, चालुक्य की राजधानी शहर कहाँ थी? तो देखिए चालुक्य बहुत हैं। अगर हम बात करते हैं बतापी के चालुक्य, अगर हम बतापी के चालुक्य की बात करते हैं, बतापी के चालुक्य, तो बतापी की राजधानी बतापी थी। और स्थापना कितने की थी? जय सिंह ने की दोस्तों। अगर हम बादामी की बात करते हैं, बादामी के चालुक्य अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी स्थापना तैलब द्वितीय ने की, तैलब ने किया दोस्तों, तैलब द्वितीय। अब बतापी का महान शासक हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वही है जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पर राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था, और जिसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के मंत्री रवि कीर्ति द्वारा लिखित अभिलेख, ये होल अभिलेख से मिलती है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर जाएगा बादामी। तो बादामी के चालुक तैलब द्वितीय ने किए दोस्तों। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की, मैसूर की राजधानी थी। मदुरई ये आपका पड़ता है, पांडे वंशी शासकों की राजधानी थी। और मदुरई में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है दोस्तों, पांडे वंशी राजाओं ने बनवाया। और कांचीपुरम पल्लव वंशी शासकों की राजधानी थी। और कांची का कैलाश मंदिर बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, इसको नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं भाई। भारत के मूल निवासी कौन थे? क्या आंसर जाएगा हमारा? द्रविड़ थे। तो द्रविड़ आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद भारतीय विदेशी नीति के रचयिता, तो दोस्तों मैं आपको बता दी पंडित जवाहरलाल नेहरू आंसर जाएगा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में, इन्होंने 1954 में पंचशील सिद्धांत चलाया। पंचशील सिद्धांत चलाया था। और पंचशील सिद्धांत का मतलब क्या होता है? भारतीय विदेशी नीति का आधार था। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है भारतीय विदेशी नीति का जनक। इसके बाद हम आते हैं, भारत की पहली ट्रेन 1853 में चलाई गई, कहाँ से चलाई गई? बॉम्बे टू थाने। तो थाने में चलाई गई, किस गवर्नर ने चलाई थी दोस्तों? तो आंसर जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी दोस्तों, डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। तो दोस्तों इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ, हाँ तुम्हारा कोटेशन आ गया, क्योंकि 20 क्वेश्चन का हमारा जो टारगेट है समाप्त हुआ। हम एक छोटी छोटी वीडियो इसलिए लेकर आ रहे हैं कि आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, हाँ हमारा कोटेशन है, अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो दोस्तों, नहीं तो शायद या धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। यानी आज के युग में या हमेशा के लिए आलसपन स्वास्थ्य के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, आपके भविष्य के लिए, हर जगह के लिए हानिकारक होता है दोस्तों। तो इसलिए आलस मत करिए, संघर्ष करिए, कठिन परिश्रम करिए मंजिल को पाने के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर एक बार हम आपसे कहना चाहेंगे, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन घंटी दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। चलिए तो अपने क्लास को वीडियो के समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।